वेलकम टू कुकिंग विद गुरकिरत। आज हम बनाएंगे पाव भाजी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए हमारी पाव भाजी रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाव भाजी बनाने के लिए ये हमने थोड़ी सी सब्जियां ली हैं। ये ली है हमने शिमला मिर्च, ये ली है लौकी, ये लिए हमने गाजर। इन सभी को कटिंग कर लिया अच्छे से। ये लिए हमने टमाटो, अनियन, पोटैटोस। ये हमने कुकर लिया है, इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। अभी इसमें डालेंगे हम 2 ग्लास पानी। सब्जियों के हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। कुकर का ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी लगाएंगे हम। अभी हमारी 5 सीटियाँ लग चुकी हैं, गैस को हम बंद कर देंगे। अभी इसको हम ओपन करते हैं। अगर आपको सब्जियां थोड़ी सी कच्ची लग रही हैं तो आप सीटी लगा सकते हैं। हमारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। अभी हमारी सब्जियों को हम कुकर में से निकाल लेंगे। ये हमने एक बाउल में लिया है, अभी इसे हम मैश करेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारी सब्जियां अच्छे से मैश हो चुकी हैं। ये हमने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। आप इसकी जगह पर बटर भी यूज कर सकते हैं। अभी इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच डालेंगे हम हल्दी। इसे एक बार हिला लेंगे। अभी हम हमारे वेजिटेबल्स डाल देंगे इसमें। ये देखिए सारे वेजिटेबल्स हमने डाल लिए इसमें। अभी इसे हम एक बार मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा कम कर सकते हैं। अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा किचन किंग मसाला। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। आधा चम्मच पाव भाजी मसाला। इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हम रेड चिली पाउडर डालेंगे स्पाइसीनेस के लिए। अभी इसमें डालेंगे हम फूड कलर। फूड कलर को हमने पानी में मिक्स कर लिया था, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फूड कलर से कलर बहुत ही अच्छा आता है पाव भाजी का। फूड कलर को आप स्किप भी कर सकते हैं।
अभी भाजी हमारी थिक लग रही है, अभी इसमें डाल देंगे हम पानी। पानी हम वही डालेंगे जो सब्जियों में से निकला था। अभी इसे एक बार हिला देंगे हम। बाकी का बचा हुआ पानी भी डाल देंगे हम इसमें। ऊपर से हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, अभी हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारी भाजी रेडी है, अभी इसे एक बार हिला देंगे। ऊपर से डाल देंगे हम इसमें व्हाइट बटर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। भाजी हमारी रेडी हो चुकी है, इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी गार्निशिंग के लिए। ये हमने ब्रेड लिए हैं, इसे हम पाव बोलते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये हमने एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे हम वाइट बटर। इसे मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। इसमें डालेंगे हम भाजी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड को हम सेंटर में से कट कर लेंगे अच्छे से, ऐसे उसे हम लगा देंगे बीच में। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे ब्रेड में लग चुकी है भाजी। ऐसे इसे सेक लेंगे। इसे हम पलट लेंगे। ऐसे ऊपर से प्रेस करके इसे सेक लेंगे। एक बार फिर से पलट लेंगे। ये देखिए पाव बनके हमारा रेडी है, अब इसकी करते हैं प्लेटिंग। पाव भाजी बनके हमारी रेडी है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।